Okay, बच्चों, so, क्या है बच्चों इट इज द मेल गैमेट इट इज गैमेट एंड कैसा होता of course, it is motile, है ये अफकोर्स इट इज मोटाइल है ना मेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है बेटा इट इज मोटाइल है ना अब स्पर्म बनता कैसे है तो बेसिकली हमें पता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो स्पर्मेटो साइटोजेनेसिस से आपका स्पर्मिटिड बन जाता है है ना स्पर्मिटिड बन जाता है स्पर्मिटिड जो है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है इट इज नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर और दिस स्पर्मिटिड से आपका क्या बनेगा स्पर्मेटोजोआ बनेगा स्पर्मेटी से आपका स्पर्मेटोजोआ बनेगा जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है बेटा मोटाइल स्ट्रक्चर है फाइन देखो स्पर्म में होता क्या क्या है तो स्पर्म में हेड होता है नेक रीजन होता है मिडिल पीस होता है एंड टेल होता है ये चार रीजन होते हैं ठीक है ठेके? वी हैव फोर ठीक है बच्चों लेबलिंग प्रॉपर देखना इसका एज नीट में आपको लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन फिर एक आउटर कवरिंग है क्योंकि सेल है तो में में तो होगा ही होगा हेड रीजन में मेरे पास एक्रोजोम है और न्यूक्लियस है है ना, ना दो चीजें मेरे पास एक्रोजोम है एंड न्यूक्लियस है न्यूक्लियस कैसा होगा अफकोर्स इट इज है ठीक है देन नेक रीजन में मेरे पास सेंट्रियॉल है दो नेक रीजन में मेरे पास दो सेंट्रियॉल है एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियॉल है नेक रीजन में मेरे पास क्या है बच्चों प्रोक्सिमल सेंट्रियॉल है और दूसरा जो है वो मेरे पास डिस्टल सेंट्रियॉल है ये बात याद रखना नेक रीजन में क्या मिलता है बच्चे नेक रीजन में मुझे दो सेंट्रियॉल मिलेगा एक प्रोक्सिमल सेंट्रियॉल एंड दूसरा होगा मेरा डिस्टल सेंट्रियॉल फॉलोड बाय मिडिल पीस मिडिल पीस में होंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया पीस में होंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया अप्रॉक्सिमेटली आप बोल सकते हैं ट्वेंटी अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। टेल में बहुत ही कम अमाउंट का साइटोप्लाज्म जो है वो मिलेगा राइट right? ये आपके सारे पार्ट्स हैं देख लिया अच्छे से लेबलिंग ये जो हेड है उसका जो इंटीरियर मोस्ट रीजन है उससे हम एकम बोल रहे हैं है ना एंड जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस विच हैज द द्रोमोजोम क्रोमोजोमल मटीरियल है देन नेक में आपको दो सेंट्रियल दिख रहा है देन मिडिल पीस में आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया दिख रहा है जो माइट्रोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनर्जी देगा वी नो दैट स्पर्म इज मोटाइल गैमेट तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करने वाला है बेटा एनर्जी देने वाला है मूवमेंट के लिए एंड जो आपका टेल है वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा फाइन क्लियर है इतना ओके सो लेट्स स्टार्ट वन वन बाय पहले हम कुछ लिख लेते हैं अबाउट हेड head. तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बेटा हेड तो हेड क्या है हेड जो है इट इज फ्लैट एंड ओवल शेप है ना फ्लैट और ओवल शेप है क्या है इसके पास पोस्टीरियरली न्यूक्लियस है एंड एक्रोजोम है इट हैज पोस्टीरियर न्यूक्लियस एंड एंड एंटीरियर एक्रोजोम अब बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो इस पे आता है इस अबाउट दिस एक्रोजोम ये जो एक्रोजोम है बेटा एक्रोजोम ये किससे बना हुआ है ये बना हुआ है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है ये yes, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल सेलॉगनल है ना डिस्कवर किया था गोल्जी ने वही उसी उसी से तो बेसिकली आपका एक्रोजोम जो है इट इज फॉर्मड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये बच्चों आपको अच्छे से याद होना चाहिए फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ये आपका नीट का क्वेश्चन हो सकता है कि एक्रोजोम किससे बना हुआ है तो बेटा एक्रोजोम मतलब जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं बच्चों तो आप कोर्स होते हैं ना क्योंकि सेल से आपका पूरा एक, वो बन रहा है स्पर्म बन रहा है एकदम ही अलग स्ट्रक्चर बन रहा है मोटाइल मोटाइल स्ट्रक्चर बन रहा है फ्रॉम नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर तो कितने मॉडिफिकेशन आते होंगे है ना सो so, आपका जो एक किससे बनता है फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स ठीक है आपका एक बनेगा फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसके पास क्या होता है एक के पास होता है सम लाइटिक एंजाइम्स ठीक है इसके पास सी ओवरी है सॉरी ओवरी नहीं ओवा है ना ओवा तो ओवा के पास सबसे पहले क्या जाएगा समझो ये आपका ओवा है है ना तो ओवा में जब पेनिट्रेशन होगा तो सबसे पहले हेडी जाएगा ना बेटा हेडी जाएगा सबसे पहले स्पम का हेडी सबसे पहले ओवा में एंट्री लेगा तो बेसिकली जो आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवा है उसमें आपने देखा होगा कि वॉल्स है, है ना तो उसको पेनिट्रेट करके इस को एंट्री लेनी पड़ेगी है ना पूरा पेनिट्रेट करना पड़ेगा ना बेटा तो पंप को ओवा के अंदर तो जो ओवा की लेयर्स है आउटर लेयर्स है उन सबको इसे क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा तो इट शुड एंजाइम्स जो क्या कर सके उसको तोड़ सके है ना तो बेसिकली इट हैज वॉट इट हैज लाइटिक एंजाइम्स इसके पास लाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइक एग्जाम्पल हाई हाया हाइ लुरोनीस ठीक है ये क्या करेगा ये तोड़ेगा ठीक है एन प्रोटीनेज़ ये सब भी होता है प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीनेस ठीक है तो क्या करेगा एक्रोसोम के पास क्या है लाइटिक एंजाइम्स है लाइक हार्डनेस लाइक प्रोटीनेजेस जो क्या करेगा आपका जो ओवा है उसका जो वॉल है मतलब जो उसकी मेम्ब्रेन है उसको तोड़ते हुए वो अंदर जाएगा वॉल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एनिमल सेल है वॉल नहीं हो सकता जो मेम्ब्रेन है ओवा की मेम्ब्रेन है उसको तोड़ते हुए जो हेड तो रीजन है तो एंजाइम्स को तोड़ते हुए अंदर चला जाएगा समझ में आया इतना ओके okay, देन मैंने कहा कि आपका इंपॉर्टेंट है।, है, है, है नेक में मैंने कहा एक प्रोक्सिमल सेंट्रियॉल है क्या है बेटा प्रोक्सिमल सेंट्रियॉल है ये क्या कराएगा फर्स्ट क्लीवेज इन दी फर्टिलाइज ओवा ठीक है याद रखना इसको फर्स्ट क्लीवेज जो कराएगा वो आपका प्रोक्सिमल सेंट्रल कराएगा मतलब क्या हुआ स्पर्म की एंट्री हुई ठीक है सबसे पहले देखो ये आपका ओवा है है ना इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको तोड़ते हुए स्पम एकम के एंजाइट रिलीज करेगा एंड फिर अंदर जाएगा और फिर तुरंत अपना जो न्यूक्लियस है वो अपना हैपलॉयड गैमट जो है वो दे देगा एंड देन फ्यूजन होगा ठीक है वहां पे फीमेल आ, का जो ओवा है उसमें भी आपको पता है कि मियोसिस टू अभी एक बार के लिए रुक गया था है ना तो बेसिकली क्या होगा मियोसिस टू भी कंप्लीट होगा एंड फिर आपका जो ओवा बना है ना उससे क्या हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा है ना एन और एन का फ्यूजन हो जाएगा एन और एन का फ्यूजन हुआ तो हमें मिलेगा डिप्लॉइड जाइगॉट अब डिप्लॉइड जाइगॉट में बेसिकली क्लीवेज इवेंट शुरू होगा है ना यहाँ पे क्या होगा माइटोसिस ही होगा स्पोर्स तो बनेगा नहीं है ना जैसे कि फंजाई में स्पोर्स बनते तो हैं तो ऐसा होगा नहीं नॉर्मली क्या होगा में माइटोसिस ही होता है तो जो पहला क्लीवेज होगा जो करवाएगा वो कौन करवाएगा कराएगा ठीक है पहला क्लीवेज कौन कराएगा प्रोक्सिमल सेंट्रियल कराएगा फर्स्ट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड ओवा कौन कराएगा आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियल कराएगा और जो दूसरा था हमारा दैट इज डिस्टल सेंट्रियॉल डिस्टल सेंट्रियल क्या करेगा बेटा ये फिलामेंट बनाएगा ये फिलामेंट बनाता है ये देख रहे हो आप ये जो ऐसे पूरा बना हुआ है फिलामेंट ये किसने बनाया है ये बनाया है आपके डिस्टिल सेंट्रियॉल ने ठीक है डिस्टल सेंट्रियल क्या करेगा एक्सियल फिलामेंट बनाएगा डिस्टिल सेंट्रियल क्या करेगा इट विल फॉर्म दी एग्जियल फिलाेंट ऑफ स्पर्म डिस्टल सेंट्रियल क्या करेगा डिस्टल सेंट्रियल क्या करेगा यह बनाएगा एग्जियल फिलाेंट ऑफ स्पर्म ठीक है इसका जो माइक्रोट्यूब्यूलर अरेजमेंट होता है क्या होता है नाइन प्लस टू माइक्रो ट्यूब्यूलर अरेजमेंट क्या होगा इसका इट विल बी नाइन प्लस टू फाइन नाइन प्लस टू अरेजमेंट होगा देन आपका आता है बच्चों मिडिल पीस मिडिल पीस मिडिल पीस में क्या है बच्चे मिडिल पीस में हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया इस वजह से क्या बोलते हैं इसे एनर्जी चैम्बर ऑफ द स्पर्म है ना आपका जो स्पर्म uh, का मिडिल पीस है उसमें क्या है बेटा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं एनर्जी चैम्बर ऑफ द स्पर्म है ना मिडिल पीस में क्या होता है फ्यूमरस न्यूमरस, कॉन्ड्रिया है ना जो क्या कराएगा एनर्जी देगा प्रोड्यूस एनर्जी किसके लिए फॉर दी मूवमेंट ऑफ टेल एनर्जी क्यों देगा ताकि आपका जो स्पर्म है वो मूव कर सके विद द हेल्प ऑफ टेल ठीक है एंड आपको पता है स्पर्म की मोटिलिटी क्यों जरूरी है स्पर्म की मोटिलिटी बहुत जरूरी है फॉर फर्टिलाइजेशन जो फीमेल गैमिटेट हैज हाई अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है ना फीमेल में हाई अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है तो इस वजह से आ, वो नॉन मोटाइल होता है है ना एंड स्पर्म का स्पर्म जो है एनर्जी चाहिए तो सारे तभी मतलब यूज अप हो जाएंगे एक्चुअली जैसे जो स्पर्म है वो ओवा में सिर्फ अपना दे रहा है।, है ना और कुछ नहीं दे रहा है हमें जितने माइक्रोकॉन्ड्रिया मिलेंगे वो फ्रॉम दी ओवा ही मिलेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया आर आर मर्टर्नल इन शोस मर्टर्नल इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया मर्टर्नल इनहेरिटेंस शो करता है अब ये मैं समझना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सब भी स्पर्म uh, क्या करेगा रिलीज करेगा ठीक है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन नहीं रिलीज करेगा जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हम uh, हमारे पास होते हैं वो किसके होते हैं हमारी मम्मी के दिए हुए ही होते हैं समझ में आया ये माइटोकॉन्ड्रिया केवल किस काम आना है स्पर्म की मोटिलिटी में बस ये सिर्फ एनर्जी देगा को फॉर मूवमेंट ये माइटोकॉन्ड्रिया सब रिलीज नहीं होगा जो रिलीज होगा आ, ओवा में दैट विल बी जस्ट गैमेट फाइन ओके एंड लास्ट है आपका टेल लास्ट है बेटा आपका टेल है ना ये लॉन्गेस्ट और आपका फाइद पार्ट है इट इज दी लॉन्गेस्ट एंड fibrous part of the sperm fine और sperm जो move करता है कैसे करता है with the help of tail it has very little amount of cytoplasm fine तो देखो आपका जो

ना? है ना एंड देन आपका टेल रीजन है लॉन्गेस्ट है एंड वो उसकी मदद से ही स्पर्म जो है वो मूव करता है समझ में आ गया इजी है बेटा स्पर्म है ना स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है सबको कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे ना स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो गया आपके स्पर्मेटोzoa में ऐसे है ना स्पर्मियोजेनेसिस से ठीक है तब ये पूरे मॉडिफिकेशंस होते हैं ओके Thank you.